प्लीज वेलकम मिस्टर हनीफ राजा साहब। अस्सलाम डॉक्टर साहब, क्या हाल है आपके? डॉक्टर साहब के चार पेशेंट भी। अरे क्या हाल है, ये तो डॉक्टर साहब से ज्यादा सेहतमंद है। डॉक्टर साहब ने रास पा लिया, वो नहीं हनीफ क्या कहते हैं, वो कौन सा चश्मा था, आबे हयात? आबे हयात उसका रास पा लिया डॉक्टर साहब ने। डॉक्टर साहब ये सानू भी दस दो, कितने मिलता है ये वाला पानी? भाई जवान सोचे जवान रहे। हाँ बिल्कुल सर, गाइड करें जवान। ये मैंने एक दफा सोची कि मैं बेगम की मौजूदगी में कुछ चीजें ऐसी सोच रहा था, मैं उसके बाद मजबूरन बूढ़ा होना पड़ा। आप तो बड़े खुशनसीब आदमी है, बेगम की मौजूदगी में सोचने का मौका भी मिल गया आपको, वरना बेगम की मौजूदगी में तो बेगम ही सोच रही होती है। वो तो बोलती रहती है, तो हम तो खुश, हम उसमें चले जाते हैं मराकबे में। वी कुड नॉट ऑफर आवर कंडोलेंस टू यू सर, पता चला भाभी का सैड, आपसे मुलाकात नहीं बड़ा अरसा, अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए, दर्जात बुलंद फरमाए। लाइफ मस्ट बी वेरी टफ हनीफ भाई। बहुत ज्यादा टफ, क्योंकि देखिए एक ऐसी चीज जिसको आपने जिंदगी में कभी प्रैक्टिस ही ना किया हो, तो सही क्या? और वो एकदम अचानक हो जाए। हाँ। अच्छा जिसकी कोई उम्मीद भी ना हो, सही बात, सब कुछ सही चल रहा हो, और अचानक एक लाइफ में आपकी फ्लाइट में किस पॉकेट ऐसा आ जाए कि झुप करके आपकी फ्लाइट नीचे चली जाए, तो बहरहाल ये सबसे पहली बात ये होती है। और मैं ये मैसेज भी देना चाहूँगा, अच्छा सवाल है आपका अली, कि अल्लाह ना करे किसी के साथ भी कुछ ऐसा ना हो, लेकिन कभी भी जब सेटबैक हो ना, सबसे पहले आप उस पर यकीन करें कैसा हो गया, रियलाइज करें, जो कि मुश्किल काम है, ठीक है ना? क्योंकि आप जो एक इंसान है ना, आपके अंदर भी तीन चार इंसान है, तो आपने बारी बारी सबको यकीन दिलाना होता है कि ऐसा हो चुका है, और फिर आपको उन लोगों को जो आपके इर्द गिर्द हैं, फैमिली है, बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, फिर मेरे बच्चे, देखिए ये 2012 में उसको कैंसर डायग्नोसिस हुआ, तो अब तो खैर माशाल्लाह बच्चे मेरे बड़े हो गए हैं, बेटे ने IBS से ग्रेजुएट हो गया 2-2.5 साल पहले, बेटी अभी इसी साल रमजान में MBBS उसने किया माशाल्लाह, तो उस वक्त वो इस प्रोसेस में थे, छोटे भी थे, उनकी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ये बात अब मेरे लिए दोहरा मसला था कि मुझे अपना गम भी छुपाना है, और अगर मैं ही हिम्मत तोड़ दूंगा तो उनका क्या होगा। तो बहरहाल कराने वाली जात सलमान भाई अल्लाह ताला की है, इंसान कोशिश कर सकता है। What doesn't kill you makes you stronger. सर एज अ कॉमेडियन लोग तो आपसे एक्सपेक्ट करते होंगे कि आपने उनको हंसाना है, तो अपने गम वम साइड पे रख के एज अ परफॉर्मर आप कैसे जाकर ये करते हैं कि मेरी जो जिंदगी है वो अफेक्ट ना हो, और लोग जिस बात के लिए मेरे शो पर आए उनको मैं वही देकर जाऊं? जी शहजाद, असल में हुआ ये था कि जब उनकी डेथ हुई है, उनकी रमजान की 27वीं शब को डेथ हुई, 3 दिन बाद प्ले था, स्टेज प्ले जो मैं कमिट कर चुका था, जिसकी पब्लिसिटी हो चुकी थी, फ्लायर पोस्टर सब कुछ बन चुके थे, और जाहिर है कि मुझ पर डिपेंड कर रहे थे वो लोग, सारी स्पॉन्सरशिप मिल गई थी, तो मैंने सोचा कि मैं क्या करूं यार ऐसे मौके पे। फिर मेरे कुछ अच्छे दोस्तों ने मशवरा भी दिया, फिर मैंने भी खुद सोचा कि अगर मैं वो छोड़ के फिर सिर्फ ये सोचने बैठ जाऊंगा कि हो क्या गया, वो ज़्यादा मुश्किल होगा, तो पैरेलल थी मुश्किल भी और प्रोफेशन भी, उसको साथ लेकर चलते हुए आपकी हिम्मत आपकी सीढ़ी बन जाती है। एब्सोल्युटली, जब आप उस पर पाँव रखते हैं ना तो आप ऊपर आ जाते हैं, या तो आप उस वाकये के ऊपर आ जाएं या उसके नीचे दब जाएं। ब्रेक हमारे साथ है हनीफ राजा साहब। हनीफ भाई ये बताएं, आपने बड़े लोगों को जो है ना वो कैमरे के सामने उलट पुलट के रख दिया, उसमें हमारे कोई दोस्त भी थे अदनान सिद्दीकी साहब, पकड़े गए। हाँ। जब पकड़े गए बजाय छुड़ाने के, इन्होंने जब छापा पड़ा तो गायब हो गए। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ये हमारा जो भाई शहजाद बैठा है इज अ स्टैंड अप कॉमेडियन माशाल्लाह, लेकिन ये सिर्फ डर्टी शोज करता है। आपने तो मेरा कैंडिड कैमरा कर दिया यहाँ पर। बट मैं जानना चाहता हूँ कॉमेडियन और एक मिमिक्री वाले में क्या फर्क होता है? मिमिक्री वाला भी तो खड़ा होकर कर रहा होता, स्टैंड अप कॉमेडियन में क्या फर्क है? हाँ, बहुत फर्क है, बहुत अच्छा सवाल किया आपने सलमान, इतने अच्छे सवाल आपकी मुझे उम्मीद है। सर डॉक्टर साहब का स्क्रिप्ट है, डॉक्टर साहब की सोच, आप सोचें जब ये पास से भी गुजर रहे हैं तो असर पड़ता है। ये मैं मजाक कर रहा हूँ, सलमान मेरे बड़े फेवरेट और बहुत अच्छे इंसान भी, बहुत अच्छे हैं ये,
और ये नहीं मानेंगे, ये नहीं मानेंगे आप जो मर्जी कर लें, बाकी ठीक था ये जो इंसान अच्छे है ये अच्छा ये ठीक नहीं, ये है नहीं मानेंगे, मैं इसका मतलब है आप सर उनकी सोबत तो देखे ना दोनों तरफ, एक ने पाकिस्तान का झंडा पकड़ा, एक हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट मानता, हम क्या करें बताएं। अरे क्या जबरदस्त, नहीं टीम तो आपकी बहुत अच्छी है, आपका शो माशाल्लाह बहुत अच्छा है। तो आपने क्या सवाल किया था, मैं भूल गया, मिमिक्री और स्टैंड अप, बहुत अच्छा सवाल है, लोग इस बात को समझते नहीं है। जब मुझे इंडिया बुलाया तो उन्होंने कहा कि हनीफ भाई यहाँ पे जॉनी लीवर भी आएगा, उसी तरह करेगा जैसे आप करते हैं, फला भी आएगा, बड़े बड़े नाम लिए। मैंने कहा चले ठीक है, मैं चला गया। अब मेरे मुकाबले में एक उन्होंने मिमिक्री आर्टिस्ट डाल दी, अच्छा वो एक ही दफा आई उनके शो में, ठीक है ना, मैंने मेरा उनसे उन पर एतराज ये था, फिर मैं नहीं गया। वो फोन करते रहे, उन्होंने शेखर सुमन से बात कराई, शेखर ने कहा, शेखर साहब ने कि हनीफ यार आप तो बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं, आप आए। मैंने कहा यार वो अपने हिसाब से लेके चलते हैं, एतराज मेरा ये था कि अगर आप कॉमेडी कर रहे हैं जिसमें पंचेस देने आप सही बात पंच लाइन बोलनी है, ठीक है ना, परफॉर्मेंस है आपकी, टाइमिंग है, तो आप उसके साथ यार मिमिक्री का तो एक जॉनर ही अलग है। बिल्कुल सही है, आप अगर आपने मुकाबला कराना है मिमिक्री वाली का, मिमिक्री वाले से कराएं। करेक्ट, मेरे मुकाबले में आप दुनिया का बड़े से बड़ा कॉमेडियन ले आए, जो मेरी कैपेसिटी है फिर मैं प्रूफ करूंगा, तो ये फर्क होता है। वाह वाह, ये मैं इंडियन वाक्य को रिलेट करना चाह रहा था लेकिन आपने खुद ही बता दिया। और बात यह है कि बड़ा आर्टिस्ट होने के लिए यहाँ पे हमारा टैबू है, हिंदुस्तान जाके ठप्पा लगवा के आओ, उसकी कोई जरूरत नहीं। आप लोगों ने यहाँ एंडोर्समेंट कर दी है, अल्लाह हमारे लिए माशाल्लाह वो काफी, अल्लाह हू अकबर। अब आपका इस एंडोर्समेंट का डॉक्टर साहब कुछ साइकोलॉजिकल एनालिसिस करेंगे, कंट्रोल डॉक्टर साहब ने हकीमाना जरा हम चेक करें ना, जरा हनीफ भाई की सोच आपके सवालों के हिसाब से कैसी है। हनीफ भाई ये रैपिड फायर है, छोटे छोटे सवाल है जी, लेकिन इसका एक बैकग्राउंड साइकोलॉजिकल। अच्छा, ये जो है मार्शल प्रूस्ट एक राइटर थे, नावलिस्ट, उन्होंने समझने के लिए ना इंसान को, तो उन्होंने 34 क्वेश्चंस डिजाइन किए, ठीक है, तो उसमें होता है कि आपके फैंस जो हैं वो हनीफ राजा को समझने के लिए, आपके काम को तो सब जानते हैं, ठीक है, वो समझने के लिए है कि आपके उस हवाले से छोटे छोटे सवालों के जवाब होंगे। हर कामयाब मर्द के पीछे दो औरतें होती हैं, आपके पीछे कितनी हैं? हर कामयाब मर्द के पीछे दो औरतें होती हैं और हर तबाह के पीछे 200 होती हैं जिसके हालात खराब हो चुके हैं। हम आपको माशाल्लाह कामयाबी कैटेगरी में रख रहे हैं, ये मेरी तरफ बेटा तुझे इशारा करने की जरूरत, तेरी स्माइल बता रही है कि तू मुझे देख रहा है। आपकी कौन सी ऐसी चीज है जो आपने रखी हुई है हालांकि फेंक देनी चाहिए? यादें भी, लेकिन कभी कभार ज्यादा गुस्सा। हाँ गुस्सा आता है आपको? यस ओके माशाल्लाह। अली भाई इसको धमकी भी समझे साथ साथ। नहीं मैं तो इनको पता है मैं फौरन पैर पकड़ लूंगा बड़ों की तो आपको शर्म आनी नहीं चाहिए भाई। आपको अगर किसी जानवर से बातें करना पड़े तो किससे करेंगे और क्या बातें करेंगे? मैं तो तोते से ही बात करूंगा क्योंकि मुझे पता है ये इसने आखिर में उड़ी जाना है तोता चुगली ना वो वहाँ रहेगा ना चुगली करेगा मेरी बातें किसी को बताएगा। हनीफ भाई ये किस तरफ इशारा है? जंगली तोते की तरफ। डॉक्टर साहब इसके बाद फाल भी निकलवा लें। नहीं देखिए जो पालने वाला तोता होता है वो क्या कहलाता है? पालतू तोता। और जो फाल निकालने वाला फालतू तोता। फालतू तोता। वाह वाह डॉक्टर साहब इसमें एक सवाल है जो आपने पूछा किस जानवर से बात करे, बंदा आता है कहता है मेरे कुत्ते ने तुझे स्निफ किया, वो कह रहा है तू ड्रग्स करता है, कहता है भाईजान गल सुनो जड़ा कुत्ता नाल गल कर रहा है वो ड्रग करता है कि मैं कर रहा हूं। तो पालतू तोता तो हमारा क्लियर हो गया आज, बस लड़की हनीफ भाई ने आज हमें राइट और रॉन्ग का डिफरेंस बता दिया। अच्छा हनीफ भाई कोई पूछे कैसी लग रही हूँ तो सच बोलते हैं या तारीफ करते हैं? यार सच बोलूंगा तो फिर बताना पड़ेगा कि कैसी लग रही हो तो फिर तारीफ ही करनी पड़ती है। अपनी अपीयरेंस में आपको सबसे ज्यादा नापसंद क्या है? ये जरा मेरे लिए मुश्किल सवाल है डॉक्टर साहब, ये आप ही बताते हैं क्योंकि आदमी तो बड़ा खुश फहम होता है ना, उसको लगता है मेरा सब कुछ बहुत ही अच्छा है। अल्लाह ऐसे ही रखे, आमीन। आगे चले सर। कहते हैं मर्द को दर्द नहीं होता, आप एग्री करते? मैं कभी इस तजर्बे से गुजरा नहीं। इससे साबित हुआ कि हनी भाई की पार्टी वो वाली नहीं है। हनी भाई कभी जेल नहीं गए। औरत की आपको कौन सी क्वालिटी सबसे ज्यादा पसंद है? औरत देखे बोले तो अच्छा बोले। औरत की जो खूबसूरती है वो उसकी बात करने में ही है। बड़ी खूबसूरत लड़की होती है, आप बोलते यार कितनी हसीन लड़की है, जब वो बोलते मैं आप कह रही थी अजीब हो जाता है। तो दुनिया में वो औरतें अच्छी लगी हैं सबको जो एक हुस्न का और जहानत का इम्तिजाज होता है।
फिर तो दो औरतें हुई ना। हाँ हाँ ठीक है, तो मैंने बड़ी खामोशी से दूसरी कर ली ना। पब्लिक लाइफ में किस लम्हे आपको लगा कि बेइज्जती जय नहीं हो गई? पब्लिक लाइफ में, हाँ ये भी अच्छा सवाल है डॉक्टर साहब। वो उस वक्त लगता है जब एक दफ़ा बहुत बहुत बड़ी पेमेंट करके शो कराया गया, और वो मेरी अकेले की नहीं हुई, उसमें बहुत सारे आर्टिस्ट थे और बहुत सारे कॉमेडियंस थे, और हम जा रहे हैं और कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है, यूं बैठे हैं लोग यूं। वो खैर हाँ, वो एक लतीफा सुना, दूसरा सुना, तीसरा जोक सुनाया, ये 22 ग्रेड के तो नहीं थे। आखिर में पीछे से जब मैं जाने लगा आवाज आई वंस मोर। यार जब आपको कुछ समझ में नहीं आया वंस मोर किस बात का, फिर बाद में पता चला ये ऑडियंस जो है ये साउथ अफ्रीका से आई हुई थी और वो पाकिस्तानी कपड़े पहना के बिठाया था। वाह 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 वाह। तो वो तो हमारी जबान ही नहीं समझते थे। उस दिन लगा कि यार कुछ बेइज्जती जाती है। शिदा तुझे तो मैं वरना तो ये पहली दफा सुना है, वरना तो सुना था रशिया से ऑडियंस बुला के पाकिस्तानी कपड़े पहनाते हैं, वो भी कहती हैं वंस मोर। आप गलत बोल के कपड़े पहनाते हैं जी डॉक्टर अब्दुल्ला। क्या ये सच है कि बंदे को एक्टर बनने का जुनून हो और उसे लाइनें याद ना होती हो तो वो कॉमेडियन बन जाता है? नहीं, मेरा एक जाती ख्याल ये है कि कॉमेडी को लोग मजाक समझते हैं, और मैं ये कहता हूँ कि मजा मजाक नहीं है। वाह वाह वाह, बिल्कुल सही है, एब्सोल्युटली। उसकी वजह यह है कि जो बात आप संजीदगी से कह के कड़वाहट महसूस करते हैं उसको आप मजाक में मिठास के साथ कह देते हैं, या आप मजबूरी में एक फलसफा जो है वो मजाक में बयान करते हैं, तो मजा जो है वो फलसफे की एक मजबूर शक्ल है। वाह 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 वाह। जबकि एक्टर बनने के लिए भी मिठास जरूरी है। एक्टर तो वो आपको पता है, एक्टर क्या मेकअप वाला बन जाए या मेकअप मैन, उसमें खुद ही मिठास आ जाएगी। क्या तो आप देखे कितने सारे घूम रहे हैं, अल्लाह ये ना करो ना आगे। हाँ। आपकी किस पावर से दूसरे डरते हैं? देखें फिर वो खुशफहमी महसूस होगी, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी स्पीकिंग पावर से शायद बहुत सारे लोग डरते हैं। ऐसी है सर, हम गवाह हैं इस चीज के। आगे चलो सर। अगर आपको अभी अरेस्ट कर लिया जाए तो आपके दोस्त और फैमिली वाले क्या समझेंगे, क्यों किया? अरे भंगड़ा पाएंगे। लेकिन क्यों किया? हाँ, कारनामा क्या किया था? नहीं नहीं कुछ नहीं, उनको इससे कोई गर्जी नहीं है। वो पकड़े गए, जान छूटे यार। Easier said than done. Family को ऐसा नहीं होता। अगर आप सब्जी होते तो कौन सी सब्जी होते? बस मैं ऐसी होते जो आप आसानी से खा सकते। ठीक है ना, पॉज का मतलब तो समझ ही गए होंगे। उन्होंने तो महसूस किया। पैसे आगे से लेने पीछे से लेने वाली बात। जिस्म का कौन सा बॉडी पार्ट है जो आप समझते हैं आपका एक और होना चाहिए? जिस्म का कौन सा बॉडी पार्ट? दिल एक और होना चाहिए। हाय हाय वाह वाह वाह। कोई ऐसी चीज जो आपके ख्याल में आपकी हो सकती थी मगर है नहीं? कोई ऐसी चीज जो मेरी हो सकती थी है नहीं, मेरी एक दोस्त थी वो मेरी हो सकती थी, वो हो नहीं। नाम लेना मुनासिब नहीं है। समझने वाले समझ गए होंगे। हाँ, दूसरों के बारे में राय 25-30 लड़कियां यही समझी होंगी। कि मेरे लिए कहा है, मेरा पैगाम मोहब्बत जहां तक पहुंचे। दूसरों के बारे में राय उनका फेस देखकर करते हैं या फेसबुक? अच्छा है, नहीं मैं फेस देख के राय कायम कर लेता हूँ। फेसबुक पे तो आपको पता है एक फकीर को किसी ने भीख दी, तो फिर वो उसने फकीर को देख के कहा, यार मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है? कह रहे सर मैं फेसबुक पे आपके साथ ऐड हूँ। ये वो भी है कि वो मालकन ने कहा ना नौकरानी से, तुम परसों आई क्यों नहीं थी? बता के भी नहीं कि कहती है भाजी साहब ने तो कॉमेंट भी किया गेट वेल सून। तुसी देखिया नहीं? अल्लाह ने आपको वो क्या खास दिया है जो अभी तक आपने आम नहीं किया? वो क्या खास दिया है जो अभी तक आम नहीं किया? कभी कभार शायरी भी बेतुकी सी कर लेता हूँ, तो उसको अभी तक आम किया नहीं मैंने। और हमारी ख्वाहिश है कि आज हमारे शो से आम करें। फैज़े आम सर। नहीं अपना कोई शेर बाखुदा मुझे याद। तखल्लुस क्या? तखल्लुस बताएं। तखल्लुस राजा। राजा अच्छा, उनसे राजा इन्होंने कहे कि अपना शेर याद नहीं रहता, और इधर ये हाल है कि किसी का शेर भी याद नहीं रहता, जो याद रहता है वो शेर नहीं रहता। हाय हाय वाह वाह, हो जाए एनी भाई हो जाए। नहीं याद तो बाखुदा मुझे याद। किसी और का सुना दे, छोटा मोटा लकड़ बकड़ सुना दे। लकड़ बकड़ क्या, बस वो मुझे तो वो एक बड़ा मजे का कॉमेडी शेर हमारे वो सुनाते थे मरहूम लियाकत सोल्जर साहब, वो सुना देता हूँ मैं आपको। बकरी चढ़ी पहाड़ पे, सब वाह वाह वाह, पूरा क्राउड,
बकरी चढ़ी पहाड़ पे और बड़ी वो हाइट पे ले जाते थे, उसके बाद क्या हुआ लोग पूछते, कहते दूसरी तरफ से उतर गई। इस तरह की सिंपल शायरी होती हमारी है। अल्लाह से दुआ है कि राजा साहब की शायरी ए अली ना। नहीं वो नहीं है, वो बड़ी पर्सनल है, इसी वजह से तो हम नहीं। अभी आपने संजीदा शायरी करते हैं या मजाहिया? मैं तो संजीदा। छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाएगा, विल बी राइट। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, वेलकम टू सेगमेंट मोबाइल कोर्ट। और आज हमारे साथ कटहरे में मौजूद हैं मुल्जिम जनाब हनीफ राजा साहब। हनीफ राजा साहब, आप हाथ उठाकर कसम खाएं कि आप जो कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे, अगर हाथ नहीं उठाना तो जो दिल करे फिर खा ले। नहीं मैं देखें बड़ों पे हाथ उठाना अच्छा नहीं है, ठीक है ना, वैसे मैं उठा देता हूँ। चले जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा सब कुछ कहूँगा, ठीक है ना, मैं सच बोलूँगा। आपका वकील सिवाई तो फिर फारिग हो गया। हनीफ राजा साहब, आप पर इल्जाम है कि आप इंतहाई ज़हीन इंसान हैं। गलत, ये गलत है। वकील साहब आप बताएं, आप पे भी तो था ये इल्जाम। जी सर, मैं तो चलें किसी तरह उसको क्लियर करने की कोशिश की, नहीं हो सका वो। लेकिन आपका मेरा इल्जाम मुस्तकिल है। सर आप पर इल्जाम है आप किसी की तारीफ के मोहताज नहीं, क्योंकि आप अपनी तारीफ खुद ही कर लेते हैं। हाँ ये एक खूबी अल्लाह ने मुझे दी है और इस पे मैं फख्र करता हूँ। आप पर इल्जाम है कि आपने जिसे खुश करना हो उसे जोक सुनाते हैं, जिसे तंग करना हो उसे भी जोक सुनाते हैं। जिसको खुश करना हो उसे मैं अपने जोक सुनाता हूँ, और जिसको तंग करना हो मैं यूनुस भट्ट साहब के जोक सुनाता हूँ। और जिसका नंबर लेना हो उसे फिर मैं खरी खरी सुनाता हूँ। बस सुन लो अब। आप पर इल्जाम है उमर शरीफ साहब के सामने और कोई नहीं नजर आता था मगर आप नजर आते। अल्लाह अकबर। देखिए उमर भाई, उमर शरीफ भाई, मोइन अख्तर भाई, ये तो शाहकार लोग थे और ये बहुत अलग ही ये मास्टरपीस थे, सदियों के बेटे। हाँ सदियों के बेटे। और अगर कोई ये कॉम्प्लीमेंट देता है तो ये मेरे लिए एक अवार्ड है बहुत बड़ा। हाँ। और बहुत शुक्रिया जिसने भी ये कॉम्प्लीमेंट दिया है, और मुझे यकीन है कि ये जज साहब ने दिया होगा। हाँ बिल्कुल। जज वकील सफाई, वकील सफाई जाओ, कुछ सफाई करके आओ। मैं सफाई करके आया हूँ। ये कौन से वकील सफाई हैं? ये अभी आप फ्लोर पे पोछा मारते हैं। आपको पता चल गया? फर्श निकाल लिया मैंने, ये हाथ की सफाई भी करता हूँ। ये फर्श की सफाई भी करनी है आपने? वकील सफाई, आपको पता चल गया होगा कि हनीफ राजा ने वकील नहीं किया, जज किया। अरे सर आपका नाम इस्तेमाल करके कई लोग हिट हुए, राजा के साथ की नकल करके वसीम राजा के साथ चला, राजा की आएगी बारात में भी आपका नाम इस्तेमाल करके उसे हिट कराया गया, क्या ये सच है? नहीं मेरा ख्याल से ये तो सच नहीं है। किसी वसीम राजा साहब तो हमारे लेजेंड रहे हैं, उनका अपना नाम रहा, और बल्कि कभी कभार ऐसा भी होता है कि कोई मुझे रमीज राजा भी कह देता है बहुत जल्दी में, ठीक है ना। और सब लोगों के अपने अपने नाम है। आप उस वक्त स्टैंड अप कॉमेडी करते थे जब कॉमेडी स्टैंड आउट कर रही, उस वक्त लोग लेट डाउन होकर कॉमेडी किया करते थे। जी स्टैंड अप कॉमेडी सबसे मुश्किल सिंफ है कॉमेडी में, और पाकिस्तान में इसलिए मुश्किल है कि अमेरिका में आप देखते हैं जो स्टैंड अप कॉमेडी होती है वो बियर बार में होती है और वहाँ जो डिस्को वगैरह होते हैं, अच्छा फिर वो हर मौजू पे बोलते हैं और वल्गर भी बहुत करते हैं, ऐसे ही है। दूसरी बात ये, वो कुछ भी ना बोल रहे हो तो वहाँ जो लोग पिए हुए होते हैं वो कहते हैं कॉमेडियन ने बात की, हंसने वाली होगी, खूब हंसते हैं। इवन इंडिया में जो कॉमेडी होती है उसका मियार बिल्कुल मुख्तलिफ है, पाकिस्तान में कॉमेडी समझने का मियार बहुत बुलंद है। बिल्कुल ऐसे है, वाह वाह वाह। तो पाकिस्तान में अगर कोई स्टैंड अप कॉमेडी से अपने आप को मनवाए या उसको पसंद कर लिया जाए या तहरीरी कॉमेडी भी जो कि डॉक्टर साहब करते रहे, तो मेरा ख्याल ये है कि फिर उस आदमी ने बड़ा काम। वाह 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 वाह। डॉक्टर साहब जैसे इन्होंने कहा कि बियर बार के अंदर होती है, मैं तो कहता हूँ जहाँ आप रुके मैं वहाँ एक सेशन करवाते हैं। आपको पता है कि हर कोर्ट में एक बार होती है। हाँ जी, और बार बार होती है, बार बार। That's all your honor, I rest my case with you, sir. आज हमारी अदालत में हनीफ राजा एक लीजेंड मौजूद है। इन्होंने ऐसे ऐसे काम किए जिनका शायद ये वाली जो नस्ल है उसको नहीं अंदाजा। इन्होंने एक प्रोग्राम किया था ARY पे, उस प्रोग्राम का जो नया वर्जन है वो कॉमेडी नाइट विद कपल है। वाह 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 वाह।
शायद इनको भी याद ना हो कि वो आपने शुरू किया था, और इस तरह के बेशुमार बहुत सारे प्रोग्राम हैं। तो हनीफ राजा साहब को मुलजम के कटहरे में नहीं होना चाहिए, किस हर कॉमेडी शो के जज के कटहरे। वाह 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 वाह, बहुत बहुत शुक्रिया आप। हम इन्हें बरी कर रहे हैं या बरी हम इनको इज्जत तौर पर बरी कर रहे हैं, और अदालत फैसला देती है कि हर कॉमेडी शो का जो जज होगा वो हनीफ राजा साहब। हनीफ राजा साहब, अरे बहुत शुक्रिया। हनीफ भाई, कुछ जज्बात हैं जो अल्फाज उनको क्या कहना चाहिए, मोहित नहीं किया जा सकता, कैद नहीं किया जा सकता। इट्स नॉट अ प्लेयर, इट्स एन ऑनर। आपके साथ जब जब मुलाकात होती है आप जेन्युइनली इतना प्यार वाला रिश्ता वो क्रिएट कर देते हैं कि इंसान वो वैसे ही इस घोड़े की तरह ऐसे हो जाता है, फिर वो सिक्का देखता है तो कोई हिम्मत करके खड़ा होता है। थैंक यू, आई थिंक वी हैव ऑल वर्क्ड विद यू। वो देखे वो चुबा रहा है, लेकिन ये है कि मैं, मुझे तो प्रैंक्स भी याद थे, मैं तो इतना हनीफ राजा यूट्यूब देखता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, और ये जो दो आपने अपनी खवातीन कैरेक्टर बिठाई हैं। नहीं, मैंने क्वींस हैं, हैं? मैंने क्वींस हैं। वो मैं यही सारे रोड से लाके कपड़े बना के बिठा देते, जैसे एक जियो के प्रोग्राम में पीछे बैठे होते थे अपना रमजान छीपा साहब। हाँ बिल्कुल, एक दिन वो बोले तो मुझे लगा ये जिंदा आदमी है। ये तो अभी तो हमें इंतजार है, 20-25 एपिसोड अभी हो गए हैं, इंशाल्लाह बोलेंगे। और मुस्तफा जो है, तो ये मुस्तफा मेरे बड़े फेवरेट रहे हैं हमेशा से, और ये बहुत ही बेहतरीन जबरदस्त किस्म के आदमी है। So is this guy, ये हमारा फ्यूचर का रॉक स्टार है। सर ये हर एपिसोड में इतना बोलती हैं, आज आपने बोला ना कि लड़की जब बोले तो मुझे नापसंद आती है, ये चुप हो गई। छींक ही मार दे, आवाज तो सुनो आप लोग। तीनों रात यहाँ पर आपसे हम इजाजत लेने का वक्त हो रहा है, इससे पहले कि वो छींक मार दे, क्योंकि उसके साथ प्रॉब्लम ये है, उसकी पहली छींक के बाद 300 छींकें जरूरी हो। और अगर आप इनको सुनना चाहते हैं तो हनीफ राजा, अगर आप इनको सुनना चाहते हैं तो हनीफ भाई का फेसबुक और यूट्यूब चैनल है हनी राजा, उस पर सब्सक्राइब कीजिए और देखिए तारीखी छींक, एवरीथिंग इन ब्लैक एंड व्हाइट। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।